तो गाइस मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया और ट्रेड लेने का लॉजिक आपको चलिए बताते हैं। यहाँ पे एक इनसाइड बार कैंडल है और इनसाइड बार का कैंडल होने का क्लोज होने के बाद मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ एप्लीकेशन में आते हैं और यहाँ पे सर्च आइकन पर जाकर सर्च करते हैं, यहाँ निफ्टी, उसके बाद निफ्टी लिखते हैं पहले, निफ्टी, उसके बाद यहाँ पे कॉल के लिए सी ई लिख देना है, ठीक है, डॉट देना है, एक ठो डॉट देकर सी ई लिखना है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक प्राइस लिखना है, मतलब प्राइस से 21,650 का हमको ख़रीदना है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए और सिलेक्ट करके एक लॉट लेना है, ठीक है। क्वांटिटी 50 है तो यहाँ क्वांटिटी 50 पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ठीक, यहाँ पे ट्रेड नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और बाय पे क्लिक करते ही हमारा देख लीजिए यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन का मतलब निफ्टी का यहाँ पे शेयर खरीदा चुका है और देखिए अभी 27.25 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो चलिए एक साथ आपको दोनों दिखाते हैं, चार्ट और एथी, चार्ट और प्रीमियम का प्राइस जो है और प्रॉफिट कितना होता है और लॉस कितना होता है आपको दोनों एक साथ दिखाते हैं, ठीक है। चलिए आइए स्क्रीन पर आते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, और थोड़ा छोटा करके दिखाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डॉट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रोटेट किए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको बगल में यहाँ पे प्रीमियम का प्राइस, ठीक है, और हमको प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट में चल रहे हैं और कितना लॉस में चल रहे हैं यहाँ आपको दिख जाएगा, ठीक है। अभी 45 रुपये का प्रॉफिट में है, ठीक है, 42, 52, ठीक है, 15 देख सकते हैं यहाँ पे, 27, 41, 42, यहाँ पे 20, कुछ प्रकार इस तरह का प्राइस चल रहा है। चलिए यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा अलग 30 पॉइंट्स का, ठीक है, 30-35 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस का हम यहाँ पे 9-10-8 में यहाँ पे 8 का कर लेते हैं, ठीक है, 8 के कर लिए। यहाँ पे देखिए यहाँ उसके आस पास भी जाने पर यहाँ पे हम लोग का जो है प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, हम लोग प्रॉफिट में आ चुके हैं। और सबसे पहले स्टॉप लॉस सेट करते हैं, स्टॉप लॉस सेट करने के लिए वहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ एग्जिट पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ एग्जिट जो बटन है यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे है मोर स्टॉप लॉस, ठीक है, और मोर स्टॉप लॉस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ आ गया प्राइस सेलेक्ट करने के, तो यहाँ 94 है तो हम यहाँ पे 90 कर लेते हैं, ठीक है, और 90 पर क्लिक करके यहाँ पे सही के निशान दबा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे अपडेट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अभी 94 चल रहा है प्राइस, तो अभी चिंता नहीं है, 4 रुपये नीचे आएगा तभी हम लोग का जो है स्टॉप लॉस हिट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 500 का जो है हम लोग का प्रॉफिट चला गया है। तो देखते हैं यहाँ पे या स्टॉप लॉस फिर से हिट होता है या टारगेट हिट होता है, आप लोगों को मैं बताता हूँ, अपडेट करता हूँ। गाइस ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला है, ठीक है, और यहाँ पे गाइस हो भी गया स्टॉप लॉस हिट। तो देखते हैं हम कितना का प्रॉफिट बुक कर लिए हैं, ठीक है, आपको बताते हैं, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही रिफ्रेश हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, अभी तो रिफ्रेश नहीं किए, देखते हैं रिफ्रेश करते हैं, रुकिए, हाँ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है गाइस, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, रिफ्रेश मारते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट में चलते हैं, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं ऑलमोस्ट हम लोग 255 रुपये का प्रॉफिट किया है, जिसमें ब्रोकरेज लग जाएगा 50 रुपीज़, 52 रुपीज़, और यहाँ पे मान लीजिए 200 रुपये का हम लोग का हाजिरा बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में, ठीक है, जय हिंद जय भारत।